नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। यूपी में पिछले लगभग 4.5 सालों में बीजेपी की योगी सरकार ने माफियाओं और गैंगस्टरों पर जबरदस्त एक्शन लिया है। योगी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले इसी मुद्दे को भुनाने में लगी है और कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव पर जमकर निशाने साध रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी अपनी सरकार के कामों को जनता के बीच भुनाने में लगी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह यूपी के दौरे पर थे। उन्होंने यूपी में अवैध कब्जे और कानून व्यवस्था की कहानी दोहराई। कहा पहले यूपी में भू माफिया गरीबों और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करते थे। यूपी की योगी सरकार ने 4 सालों में माफियाओं पर नकेल कसी है। 4 सालों में पेशेवर माफियाओं और गैंगस्टरों की 1584 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है। शाह का बयान यूं ही अचानक नहीं आया, इसके पीछे बीजेपी की बड़ी रणनीति है। दरअसल यूपी में अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर निशाने साध रहे हैं, लिहाजा अखिलेश यादव को काउंटर करने के लिए यूपी बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्टर शेयर किया है। इस पोस्टर में एक तरफ यूपी में सपा सरकार के दौरान हुई जवाहर बाग पैच इस पोस्टर में एक तरफ यूपी सरकार में इस पोस्टर में एक तरफ यूपी में सपा सरकार के दौरान हुए जवाहर बाग कांड का जिक्र किया गया है, तो दूसरी तरफ एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन कर आरोपियों पर कार्रवाई का जिक्र किया गया। जाहिर है जवाहर बाग कांड के जरिए बीजेपी यूपी में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान कानून व्यवस्था की बदहाल तस्वीर को दिखाना चाहती है। इस पोस्टर के जरिए बीजेपी अखिलेश यादव की सरकार में हुए जवाहर बाग कांड की याद दिलाकर उसे घेरना चाहती है। ये भी बताना है कि यूपी की योगी सरकार ने कैसे एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन कर न सिर्फ अवैध कब्जा होने से रोका, बल्कि माफियाओं की अवैध कब्जे पर बुलडोजर भी चलवाया। सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की तस्वीर वाले इस पोस्टर में बताया गया कि योगी सरकार में भू माफियाओं की हालत कैसी है। जाहिर है बीजेपी अब बेहद आक्रामक अंदाज में विपक्ष पर हमला करेगी, उनकी कमियों को सामने लाकर ये बताएगी कि कैसी योगी सरकार में कानून का राज है और जनता सुरक्षित है। इसके लिए सबसे पहले बीजेपी ने जवाहर बाग कांड की तुलना के लिए चुनावी पोस्टर तैयार किया है, जिसे सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। 2 जून 2016 को मथुरा में जवाहर बाग में अवैध कब्जा हटाने गए पुलिस फोर्स पर फायरिंग हुई। अवैध कब्जाधारियों ने पुलिस पर हमला कर पूरे जवाहर बाग में आग लगा दी। इस वारदात में 29 लोगों की मौत हुई थी। ये तारीख इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है। बीजेपी के जानकार मानते हैं कि पार्टी की रणनीति आक्रामक तरीके से समाजवादी पार्टी को काउंटर करने की है। अखिलेश और मायावती सरकार में हुए बड़े कांड के जरिए ये बताया जाएगा कि कैसे योगी सरकार ने यूपी में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया है। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी कहते हैं कि जवाहर बाग कांड अखिलेश यादव सरकार का मॉडल था, जिसमें जाति विशेष के लोगों को सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे का लाइसेंस मिल जाता था। गरीबों की जमीन और सरकारी जमीनों पर माफिया आसानी से कब्जा जमा लेते थे, लेकिन अब योगी राज में इन अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल रहा है। माफिया जेल में और संपत्तियां कुर्क हो रही हैं। इतना ही नहीं, सभी इस बात को जानते हैं कि जिन लोगों ने जवाहर बाग पर अवैध कब्जा किया था, उनके ऊपर सरकार का हाथ था। अखिलेश यादव के राज में यूपी में कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब थी। बीजेपी ने अखिलेश यादव के इसी गुंडाराज से यूपी की जनता को निजात दिलाने के लिए वोट मांगे थे। अखिलेश यादव लगातार यूपी की बीजेपी सरकार को कानून व्यवस्था के नाम पर घेरने की कोशिश में हैं, लेकिन कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश यादव को कोई खास सफलता मिलती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।